कि डॉल मैन्युफैक्चरिंग में देखिए उन्होंने लिक्विड उसी मोल्ड में भर दिया। अब देखिए अब लिक्विड है जो भी इनका मोल्ड का था, अब देखिए उन्होंने उसी शेप में डाल दिया। ये बहुत वैसे बहुत पुरानी प्रोसेस है और एक रोटेटिंग फर्नेस में डाल दिया ताकि पूरा शेप ले लें, और ये काफ़ी पुरानी प्रोसेस है। अब देखिए अब ये पीसेस को एक्सट्रैक्ट, मेरा नाम है देवेश और आज हम देखते हैं देखिए टॉयज़ कैसे बनते हैं। टॉयज़ देखिए डेली टू डेली किसी के बच्चे होते हैं और बहुत इंटरेस्ट से खेलते हैं, और आपने कभी देखा नहीं होगा कि यार टॉयज़ बनते कैसे हैं। और देखिए एक फैक्ट्री विजिट है, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन से लेकर इंजेक्शन मोल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो मैं ए टू जेड चीज़ें बताऊँगा, मतलब कि आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा एक तरीके से कि क्या होता है और यानी कितने अलग तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग और ये सारी चीज़ें यूज़ करके चीज़ें बनती हैं, और पार्ट कितने अलग अलग हमें बनाने पड़ते हैं। मतलब हर जैसे अब देखिए पहली चीज़ जो होती है वो स्केच से स्टार्ट होती है, क्रिएशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, मतलब यार पूरा डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं और डिज़ाइन पूरा रेडी कर रहे हैं, एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि यार ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने डिज़ाइन बना लिया, अब इसकी साइज़ वाइज सारा ले रहे हैं, एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 3D मॉडल बना रहे हैं बाई यूजिंग सॉफ्टवेयर या कुछ भी आइए। अब देखिए इसका पूरा 3D मॉडल बना लिया इन्होंने सॉलिड वर्क्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अब इसका क्या मोल्डिंग के लिए इन्होंने देखिए मिलिंग मशीन से मोल्डिंग एक मोल्ड बना लिया इन्होंने, जो उन्होंने इनको जो टॉय इन्होंने सेलेक्ट किया। अब ये क्या कर रहे हैं इंजेक्शन प्रोसेस में ले जा रहे हैं, अब ये मोल्ड पहले रख रहे हैं जो उन्होंने मोल्ड बनाया था। अब ये देखिए मोल्ड बना दिया, देखिए पूरा ले जा रहा है, और देखिए कितने सारे मोल्डिंग प्रोसेस एक साथ चल रही है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी मोल्डिंग प्रोसेस चल रही है। अब देखिए रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल क्या होता है, पॉलीमर्स होते हैं या प्लास्टिक पैलेट्स कहते हैं वो होते हैं, ये काफ़ी थिक होते हैं। अब प्लास्टिक पैलेट्स क्या होते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग में डाल देते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग में डाल दिया। अब ये डाई और ये हाई टेम्परेचर में मिक्स करते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए। अब देखिए इसका डायग्राम में आप समझते हैं, देखिए डायग्राम में इसने क्या किया, ये पूरा मोल्डिंग का प्रोसेस है। अब देखिए इन्होंने डाई के साथ मिक्स करके प्लास्टिक पैलेट्स डाले, अब ये देखिए मेल्ट हो गया पूरे, अब ये इंजेक्शन मोल्डिंग से मोल्ड में ले जा रहे हैं। ये देखिए जो प्रोसेस दिख रही है ब्लू कलर का लिक्विड जो है ये डाल दिया इन्होंने मोल्ड में, और वहाँ से पेन से इंजेक्ट कर दिया। अब ये देखिए ठंडा या कूल हो जाता है, और ये देखिए इसका इंजेक्ट हो गया, ये देखिए कितने सारे प्लास्टिक वास एक साथ निकल गए इंजेक्शन मोल्डिंग से, वो देखिए पुश कर दिया वहाँ पेन से और ये इतना निकल गया इंजेक्ट, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। और ये सब अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं, देखिए इसका टायर बना दिया, ये टायर ये देखिए मोल्ड में बना रहे हैं, ये देखिए टायर बना दिया इसका, वो देखिए आगे से निकल गए, ये देखिए उसके ऊपर टायर रख दिया, देखिए गाड़ी में लगा दिया। अब आपको समझ आएगा कि इतने सारे इन्होंने पार्ट बनाए, एक गाड़ी बनाने के लिए सब इतने सारे पार्ट बनाए इन्होंने। अब देखिए इसका कुछ और पीस निकालना है, अब कुछ कई चीज़ होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं, वो इमेज ट्रांसफर या टेम्पोग्राफी कहते हैं, देखिए उसके डिज़ाइन आँखें हैं वो बनाने के लिए ये उस तरीके से बनते हैं। जैसे उन्होंने टच मार दिया तो वो चिपक गया, मतलब एक पेस्टिंग। अब एक और चीज़ है जैसे इनको एक एप्पल बनाना है, अभी इंजेक्शन एयर मोल्डिंग से होता है, देखिए उसमें उन्होंने क्या किया मोल्ड है उसमें एयर डाल दिया, ऊपर से एयर डाली तो वो फूल गया। अब देखिए उसको ठंडा होने देंगे तो पूरा सही एप्पल जैसा लगेगा। देखिए एक और तरीका होता है कि डॉल मैन्युफैक्चरिंग में देखिए उन्होंने लिक्विड उसी मोल्ड में भर दिया, देखिए अब लिक्विड है जो भी इनका मोल्ड का था, अब देखिए उन्होंने उसी शेप में डाल दिया। ये बहुत वैसे बहुत पुरानी प्रोसेस है, और एक रोटेटिंग फर्नेस में डाल दिया ताकि पूरा शेप ले लें, और ये काफ़ी पुरानी प्रोसेस है। देखिए अब ये पीसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखिए इसका हाथ जो था टॉयस के वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसका चेहरा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, और देखिए इंडिविजुअल डॉल के लिए उन्होंने देखिए हाथ लगा दिया, ये बाय ये और ये यहाँ से पेंट चल रहा है, देखिए इसके लिप्स जो है वो बना दिए एरोग्राफी के थ्रू, और ये देखिए इसकी आंखें बना दी इसने, कि देखिए आईज लगा दी इसकी, और देखिए इसके बाल कलर भी इसको कर दिया, ये देखिए इसके कितना सही लग रहा है, और देखिए इसके बाल भी कर रहे हैं, बाल भी ग्रेफिटिंग हेयर करते हैं, ग्रेफिटिंग कहते हैं इसको, और ये पूरा बाल एक बार में हो जाता है, ये देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए ये मैनुअली इसको असेंबल कर रहे हैं, ये पूरा इन्होंने असेंबल कर दिया, टॉय है। अब देखिए इसने क्या किया, क्लोज की टेलरिंग कर रहे हैं, मतलब उसको जो कपड़े पहनाने हैं वो देखिए वो टेलर कर रहे हैं, देखिए वो मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं सारा कुछ, देखिए इसको कपड़े वैसे बना दिए, हैंड क्राफ्टेड क्लोथिंग जो थी वो सारी कर दी इन्होंने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यानी
टाइम बहुत लगता है और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी देखिए उन्होंने बना लिया, पैकेजिंग इसकी कर रहे, पैकेजिंग भी यूनिक होती है केले की, ताकि शेल्फ से बाय करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए इन बिटवीन जैसे वो तैयार हुआ, अभी उन्होंने दूसरी असेंबली चली ली है, प्रोडक्ट हैंडलिंग इनकी कंटिन्यूस हो रही है। देखिए गाड़ी का प्रोसेस हो रहा है, अब इन्होंने प्रिसाइजली हाथों से कर रहे हैं। और देखिए गाड़ी बनती है, गाड़ी वैसे इतनी जल्दी टूटे भी ना, क्योंकि टूट जाती है बहुत सारी, आपने देखी होगी। देखिए टायर कितने अच्छे, अब इसकी पैकेजिंग भी वैसे ही होती है ताकि सेफ्टी भी रहे। ये देखिए इसको पूरा तरीके से कर रहे हैं, अब इन्होंने मैनुअली अच्छा वो ताकि वो खुद ही छोड़ ले। अब देखिए लीगोज होते हैं या वो जो भी चीज़ें होती हैं, देखिए इन्होंने खुद ही छोड़ ली, मतलब वैसी पैकिंग कर रहे हैं ताकि वो तोड़ फोड़ के खुद ही पैक कर लें। अब देखिए इन्होंने देखिए एप्पल ही बनाया, एप्पल का कलर भी हो गया, कितने सारे फ्रूट्स बनाए उन्होंने, सारे इंजेक्शन मोल्डिंग से, एयर मोल्डिंग से बने। देखिए वाटरमेलन है, अब इसे सील श्रिंक भी कर दिया इसको, ताकि एक पैक बना दिया ये देखिए पकड़ के साथ। अब ये क्या कभी बीच पे जाते हैं कुछ के लिए, देखिए प्रोडक्ट रेडी हैंडलिंग के लिए, वेयर हाउस के लिए इन्होंने सारा रेडी कर रखा है लेबल लगा के। अब ये ऑर्डर जैसे ही आ रहा है वो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, और ये जाके मैं सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं शिपिंग कर रहे हैं ऑर्डर्स की। ये देखिए देखिए ट्रक्स निकल गए, अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जहाँ भी इनको स्टेट जहाँ भी बेचना है वो बेच रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर आपको और भी कुछ और देखना है या कौन सी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।